जैसे ही बारिश के दिन आते थे तो मम्मी का चूल्हा और मम्मी के जितने भी जो डिब्बे वगैरह पानी की मटकियां रहती थी उन पे सब पे पानी आ जाता था बारिश की वजह से। दोस्तों 2023 आने से पहले यानी कि आज 31 दिसंबर है, आज के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और 31 दिसंबर शाम के 3 बजे मेरे को याद आया, अरे यार आज 31 दिसंबर है, अपन ने तो वीडियो शूट ही नहीं किया है। तो दोस्तों फिर बाद में मैंने बहुत ही जो जल्दबाजी में मैं आया अभी खेत पे, वो सही जानकारी और सही चीज़ें जो बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैंने 2022 में मैंने क्या क्या अचीव किया है और 2022 में मैं कितना खुश था और 2022 में मैंने क्या क्या कुछ सीखा है उसके बारे में भी आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी का तहे दिल से थैंक यू और तहे दिल से धन्यवाद। चार चार चैनल है दोस्तों आज की डेट में, मैं किसी को और बताना नहीं चाहता था लेकिन अभी जो अर्निंग वाले जो हमारे चार चैनल है और हमारा बेरू प्रजापत ब्लॉग यूट्यूब चैनल अभी देख रहे हो ये भी मोनेटाइज है, यानी कि आप हमारे वीडियो देखेंगे तो अब हमें कुछ मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था कि मेरा क्या होगा और लोग मुझे यहाँ तक कि अभी भी मैं वैसा इतना बड़ा नहीं हूँ लेकिन मैं मेरे जो मैंने बुरे दिन देखे हैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि दोस्तों मेरी मेहनत आप लोग जानते हो, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और भी मेरे कई चैनल है और वीडियोस बनाने से ज़्यादा मैं लोगों की हेल्प करने में लगा रहता हूँ, ठीक है। मेरी जो एक दुख भरी बात मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं सोचता था कि क्या होगा कैसे क्या होगा। अभी आप देख रहे हो मेरा वीडियो जो पीछे का एकदम बैकग्राउंड कैसा जो ब्लर हो रहा है आप अभी खुद देख सकते हो। तो मैं कभी सोचा करता था कि मैं ऐसे वीडियो मतलब लोगों के देखा करता था कि मेरे वीडियो कब ऐसा जो मेरे वीडियो ब्लर होंगे, कब मेरे पीछे का बैकग्राउंड एकदम ब्लर होगा, कब मैं लोगों से अच्छी तरीके से बातें करूँगा और कब मेरे पास महंगा वाला फ़ोन होगा। तो हालाँकि ये चीज़ें जो मेरे को जो बहुत जो खुशी मिली अंदर से और मैंने मेहनत भी बहुत करी है। 2022 में हमने एक तो वन प्लस का मोबाइल लिया है जिसकी प्राइस है 30,000 लगभग और उसका वीडियो भी आप देख लेना, हमारे सोनू भैया ने डाल रखा है गोदा मोबाइल विजयनगर और वो भी YouTube के पैसे से ही लिया है एक मोबाइल, ठीक है, वन प्लस का, ठीक है। और ये जो मेरा काफ़ी बड़ा ड्रीम था कि मैं एक मोबाइल लूँगा लेकिन बढ़िया वाला ही लूँगा और उसके बाद में हमारे घर पे जो पहले मैंने सॉरी मोबाइल लेने से पहले हमारे घर पे जो मतलब मम्मी बारिश के दिनों में मतलब जैसे ही बारिश के दिन आते थे, हमारे क्या दो ही कमरे बने हुए हैं अभी और बीच में एक पोल बोलते हैं जिसको अपन ऐसे दरवाज़ा टाइप का है और उसके इस साइड में जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं था। तो मम्मी जो बारिश आती थी तो चूल्हा भी वहीं बना हुआ था, यानी हमारा चूल्हा भी उसी जो दरवाज़ा एकदम खुला था आसमान और जैसे ही बारिश के दिन आते थे तो मम्मी का चूल्हा और मम्मी के जितने भी जो डिब्बे वगैरह पानी की मटकियां रहती थी उन पे सब पे पानी आ जाता था बारिश की वजह से और मम्मी का चूल्हा भी गीला हो जाता था। तो मम्मी काफ़ी जो परेशान रहती थी उस समय। यूट्यूब के पैसे कमा के मैंने अपने घर के जो बढ़िया सा मतलब वो बोलते हैं अपन चादर बोलते हैं सीमेंट वाले वो चादर भी लगाए, उसमें कम से कम 25,000 रुपये का खर्चा आया। तो ये भी एक मेरा बहुत बड़ा सपना था क्योंकि जब हमारे जब मम्मी खाना बनाती थी और अचानक ही बारिश आ जाती थी तो पूरा एकदम आंगन गीला हो जाता था, चूल्हा गीला हो जाता था, लकड़ियाँ गीली हो जाती थी और यहाँ तक कि चाय पत्ती के डब्बे पड़े रहते थे वो सब गीले हो जाते थे और पूरे आंगन में मतलब कीचड़ हो जाता था। तो मम्मी बहुत उदास हो जाती थी तो मैं उसमें ज़्यादा परेशान होता उस समय कि अब मेरा क्या होगा। मैं YouTube की वजह से सही करी है मेरी मेहनत जो आप लोग देख सकते हो। तो पहले मैंने ये जो चादर आप देख रहे हो सीमेंट वाले इसमें 25-30 हज़ार रुपये लगभग खर्चा हो गया था और हमारे जिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे जिया जी है चंपालाल जी प्रजापत, उनके उन्होंने जो इनको लगाया सही सेटिंग किया। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि यार ऐसे अगर कोई भी नहीं लगाता मतलब इतनी जो उन्होंने सेफ्टी से जो उन्होंने लगाया तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हेल्प करी। उस समय मैं बाहर काम भी करता था तो वो एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम जो कि मम्मी बहुत तकलीफ़ देखती थी मम्मी के हम सब कि बारिश आ जाती थी आपको बताया कि पूरा आंगन गीला हो जाता था तो मम्मी बहुत परेशान रहती थी। तो मैंने ये एक काम किया है घर वालों के लिए और कुछ पैसे जो अभी कर्जे वालों के भी बाकी है कुछ पैसे उन्हें भी दिए थे और अभी थोड़े पैसे और बाकी रह रहे हैं। मेरा मेन काम है मेरे मकान को अच्छा बनाना और एक बार कर्जे को मैं सही चुका दूँ और
घर का मतलब मकान अच्छा बना दूं। और हाँ उसके बाद ठीक है, मैंने पहले तो ये लगाए, फिर मैंने मोबाइल लिया वन प्लस का, और उसके बाद में अभी रिसेंटली जो मम्मी के अकाउंट में, यानी कि मम्मी का अकाउंट में मैंने अभी 54,000 रुपये जो अभी मम्मी के अकाउंट में रख रखे हैं, ठीक है, मेरे पास अभी नहीं रख रखे हैं क्योंकि मैंने 54,000 रुपये मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रखे हैं। जब भी मकान का हम काम चालू करेंगे तो उस समय हम उन पैसों का इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो 2023 में हम काम चालू कर देंगे। काम तो अभी चालू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी क्या ना, कारीगर की फ्री नहीं है, कारीगर वगैरह और भी कुछ सामान भी और लाने हैं, तो उसका जो अगला वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हाँ, और ये रही तीसरी बात, ठीक है। और हाँ, एक मेरे को मिली 8,000 रुपये की घड़ी, जो कि मैं कभी घड़ी पहनता भी नहीं था हाथ के अंदर, मतलब कभी मेरा शौक, मैं कभी घड़ी मैंने खरीद के 100 रुपये की भी घड़ी अब तक नहीं पहनी है, लेकिन मुझे अचानक मतलब 8,000 रुपये की घड़ी मिली है, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा, नहीं भी देखा तो भी एंड स्क्रीन में डाल दूँगा या आई बटन में देख लेना। और 8,000 रुपये की घड़ी मिली, मैं कभी 100 रुपये वाली और लोगों के जो चमकीली वाली जो घड़ियाँ नज़र आती थी ना, जैसे कोई पहनते थे मेरे सामने, तो मेरे को ऐसा लगता था यार अपने को कब ऐसी घड़ी मिलेगी, क्योंकि ख़रीदने की इतनी औकात कहाँ है दोस्तों घड़ी के, तो और नहीं मेरे को शौक़ भी नहीं था इतना, घड़ी पर्स वगैरह रखने का ऐसा कोई भी शौक़ नहीं था, सही बता रहा हूँ। तो मुझे 8,000 रुपये की घड़ी भी 2022 के अंदर ही मिली है, आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये सब हुआ है। और अब जो लोग नफरत करते थे वो लोग भी अब प्यार से बातचीत करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों इस लाइन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मतलबी लोग और रहते हैं, जो कि बेरू भाई से जानकारी ले लेते हैं और चैनल पर काम करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद में बेरू भाई को मतलब मुझे भूल जाते हैं, और मतलबी मतलब अभी से ही मतलब वो दिखावा शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने ऐसे लोगों का साथ भी छोड़ दिया है, यानी कि 2020 आप बोल सकते हो, उसमें कई लोग मेरी लाइफ में आए, कई लोगों ने जो खाली हेल्प मांगी और उसके बाद में उन्होंने उनका काम हुआ, उन्होंने साथ छोड़ दिया। और कुछ हमारे जो ऐसे मित्र भी है, जैसे रिसेंटली ब्लॉग आपने देखा होगा, रामदेव राणा बेचारा एक बहुत बढ़िया आदमी है और ढोलक बजाते हैं, उन्होंने वीडियो के अंदर, वो पहला ऐसा आदमी है, और एक हमारे इकबाल जी सर, ये दो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे और मोटिवेट किया। इन्होंने वीडियोस के अंदर बोला कि हमने बेरू प्रजापत जी को देख के हमने वीडियो स्टार्ट किया, और हालांकि रामदेव जी राणा जिन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि हमने इनको देख के यानी मुझे देख के हमने यूट्यूब स्टार्ट किया, तो इन दोनों के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप जैसे लोग हमेशा जो मुझे और मोटिवेट करते रहोगे। देखिए मेरे जो माइंड में जो आइडिया आता है मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ रिसेंटली 2022 में ऐसे लोग भी थे जो अपने मतलब से, यानी कि मुझे किसी भी बात से अगर ठेस पहुंच गई है, मुझे समझ में आ गया कि हाँ ये आदमी मतलब भी है, तो फिर मैं देख लो आप सोच सकते हो, मेरा फिर मन ही नहीं मानता कि अपन उसे फ़ोन करें या बात करें। अभी रिसेंटली हमारी टीम में शंकर लाल जी प्रजापत है, नारायण जी बल्ला है जिनका ब्लॉग चैनल है, और हमारे भाई हेमराज सैनी है, बातचीत हमारी लगातार होती रहती है, धर्मवीर जी कोटा से, और भी हमारे कई मित्र लोग हैं। देखिए मैं ऐसे नाम लूँगा, किसी का नाम चूक भी जाऊँगा तो आप बुरा मानोगे, लेकिन यार अभी ये खुशी का अवसर है यार दोस्तों की 2022 में मैंने इतनी सारी चीज़ें तो मैंने अचीव करी है, मेरे हिसाब से, मेरी जो मेरे औकात के हिसाब से और मेरी जो मेहनत के हिसाब से मुझे जो मिलना चाहिए था वो मुझे भगवान ने दिया, और आप लोगों का प्यार बना रहा। मैं सभी दोस्तों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, आज की डेट में मेरे 4 चैनल है और एक चैनल जो कि टेक्निकल संबंधित है उसके बारे में बता दूंगा, फिर हो जाएंगे 5 चैनल, ठीक है, तो उसकी भी तैयारियां हो रही है। और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भाई सपोर्ट करते रहे और कृपया मतलब ये लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग हैं ना मतलब ऐसे लोग हैं कि आपको प्यार से बोलेंगे तो ही, लेकिन आपको आगे जाके नुकसान ही पहुँचाएंगे, जो कि मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये लोगों से दूर रखो, चाहे लोग आपको कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपना काम करना है, ऐसा नहीं कि भाई तुमने उनका साथ क्यों छोड़ा, ये क्यों हुआ, ये क्या, लोग तो यानी कि लोग मतलब मेरे से ही सीखते हैं और उल्टा मेरी बुराई करते हैं, लेकिन जो जिनसे बुराई करते हैं वो मेरे बारे में जानते हैं कि यार बेरू भाई कैसा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और भाई साहब सभी से मैं बहुत बहुत
थैंक यू कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई आप लोगों की वजह से ही आज मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हूँ और आप सब ऑडियंस का प्यार ही बना रहे हैं। और हमारी टीम में अब नए नए बढ़िया बढ़िया आदमी जुड़े हैं जिन्हें मैंने बढ़िया चांद परख के, ठीक है, चांद परख के फिर मैंने इस्तेमाल, मतलब अच्छे तरीके से मैंने देखा है उनका व्यवहार सब चीज़। तो अब उन लोगों के साथ में बहुत ही जल्दी हम कुछ नया करने वाले हैं। हम टीम पूरी संगठित होकर हम आप लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे और आप लोगों के लिए हम नए नए वीडियोस और नए नए ब्लॉग अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस भेरू प्रजापत यूट्यूब चैनल पर मैं मेरी स्टोरी या मेरे डेली लाइफ ब्लॉग आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा। बाकी मेरे और भी अन्य चैनल हैं जिसको आप धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं सभी को एक और नेक्स्ट और नई वीडियो में। बस दोस्तों, मैं तो आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, तो बस मुझे सब आशीर्वाद दे देना। मैंने लगभग मैं सारी चीज़ें आपको बता दी है, लेकिन फिर भी रिपीट कर देता हूँ। 2022 के अंदर सबसे पहले जो हमारे घर में वो लगाए थे चद्दर, सीमेंट वाले चद्दर, और उसमें 25,000 रुपये लगभग खर्चा हो गया था। और उसके बाद में 30,000 रुपये का वन प्लस का मोबाइल, और उसके बाद अभी 54,000 रुपये मम्मी के अकाउंट में कैश पड़े हैं, और 8,000 रुपये की घड़ी जो कि मुझे मिली थी। वो घड़ी मैंने अभी पहन नहीं रखी है, लेकिन आप लोगों ने कई सारे वीडियो में देखी होगी। और थैंक यू दोस्तों आप सभी का। बस और भी कुछ ऐसे जो मैं कुछ भूल रहा हूँ शायद, और हाँ, मैंने और कई सारे कपड़े भी ख़रीदे हैं और कई सारी नई नई चीज़ें, वो भी मैंने थोड़ा, मतलब आपको देखो बोलना चाहिए जो मैंने, मतलब मैं सोचता था उसको मुझे, मतलब मैं वंचित रहता था जिन चीज़ों से, और 2022 में मुझे काफ़ी सारा जो प्यार दिया आपने, थैंक यू दोस्तों। मेरा इस वीडियो में कोई भी घमंड वाला नहीं थी एक्टिंग, बस मेरे बुरे दिन देखे थे। और मैं किसी भी, कभी भी मैं अपने मतलब के लिए लोगों को, मैं जैसे लोगों की हेल्प करता हूँ वैसे ही बस प्यार सपोर्ट बना रहे, बस मतलब ही लोग दूर रहें और आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे। धन्यवाद।